हेलो दोस्तों, आज हम एक स्प्लिट यूनिट का पंप डाउन करने वाले हैं। पंप डाउन मतलब उसकी गैस रिस्टोर करने वाले हैं। इसे इसी को यहाँ से शिफ्ट करना है। तो देखिए, अभी ये रनिंग कंडीशन में है। सबसे पहले आपको एसी को ऑन कर लेना है एंड करीब 2-3 मिनट रन करना है और ये देख लें कि ये कूलिंग करने लग गया हो। पहले ये डिस्चार्ज की, सॉरी, सक्शन की लाइन से ये जो जिस पे गेज लगाते हैं उस पाइप को खोल लें, उसका कैप खोल लें। एंड ये हमारे पास एक मैनिफोल्ड गेज है। इस पे इसकी लाइन अटैच कर देंगे। वो देख सकते हो, अभी प्रेशर कितना है। PSI अभी ठंड है, इस कारण से गैस का प्रेशर कम आएगा। फिर हम एलन की वाली कैप खोलेंगे। दोनों कैप्स को खोल लेंगे। दोनों एल की वॉल है। इसमें हम एल की लगा के देख लेंगे कौन सी लगती है। ये वाली एल की यूज होगी। अब हमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, या तो आपके पास एक और आपके साथ कोई वर्कर हो जो कि नीचे से एसी की सप्लाई ऑफ कर सके। मैं यहाँ पे अकेला ही आया हूँ, इसलिए यहाँ से सप्लाई डाउन डेड करनी पड़ेगी जब इसको पंप डाउन कर देंगे। तो इसलिए अब एक सबसे मेन जो अहम बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एसी को जब भी अपने पंप डाउन करते हैं तो दोनों चीज़ें, ये जो डिस्चार्ज की लाइन है इसको पहले बंद करेंगे और नीचे मैनिफोल्ड गेज की तरफ भी ध्यान देना है। देखिए जैसे जैसे जीरो पे आएगा इसको भी बंद कर देना है। वो जीरो में जा चुके हैं। अब अपने को एसी की सप्लाई बंद करनी है, या तो अपने कोई बंदा हो नीचे या फिर यहाँ से इसको वायर को खींच दीजिए। वाल को दोनों साइड से फुल लाइट कर देना। एसी बंद हो चुका है एंड गैस भी देख सकते हो अब रिस्टोर हो चुकी है। वैक्यूम में चला गया थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू।